पर फेस वॉश और सोप को रखा हुआ है ऑप्शन पे। अगर आप मेरी माने तो सिर्फ खाली पानी से अपना चेहरा धोएं और बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें, ना ज़्यादा ठंडा पानी हो ना ज़्यादा गर्म, नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं और टॉवल से पहले साफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चेहरे को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी YouTube फैमिली, दिस इज़ मी सदा चौधरी, वेलकम है जी आपको मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, हरिये से होंगे, मज़े में होंगे। एंड थैंक यू सो मच कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक किया, और इस तरह से आप मज़ीद मेरी आने वाली हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ऑयली स्किन वालों के लिए कि आप लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करें, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए कि ड्राई स्किन वालों को क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सब की स्किन डिफरेंट है, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, किसी की नॉर्मल है, किसी की सेंसिटिव है। तो आज मैं बात करूँगी यहाँ पर ड्राई स्किन की कि ड्राई स्किन वालों को सर्दियों में क्या करना चाहिए और जो मैं आपको बताऊँगी आपने उस पर फॉलो भी करना है। तो ड्राई स्किन वालों मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो कि जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रा कम करें, भर भर के मत खाइएगा क्योंकि स्किन आप लोगों की पहले बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पे आ चुकी होती है और जब आप अपने हाथ को हल्का सा व्यू करते हो तो एक वाइट सी लाइनें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और ड्राई स्किन वालों की ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनमें बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। तो बाकी तो एक के साथ साथ हर चीज़ ही मतलब कि अपना मियार कम कर देती है, लेकिन केयर भी हमें अपनी बहुत ज़रूरी है। तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कम करें और ड्राई स्किन वालों दिन में सिर्फ एक बार साबुन से मुंह धोना है। अगर आप साबुन यूज़ करते हो, फेस वॉश यूज़ करते हो तो सिर्फ दिन में एक बार, बार बार नहीं। मैंने यहाँ पर फेस वॉश और सोप को रखा हुआ है ऑप्शन पे। अगर आप मेरी माने तो सिर्फ खाली पानी से अपना चेहरा धोएं और बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें, ना ज़्यादा ठंडा पानी हो ना ज़्यादा गर्म, नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं और टॉवल से पहले साफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चेहरे को होती है नमी की ज़रूरत और पानी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो ऐसे बस छोड़ दें। और आप कौन सा सीरम यूज़ करते हैं, अगर आपने किसी से पूछा हुआ है या आपको पता है कि आपकी स्किन ड्राई है तो मैंने ये वाला सीरम यूज़ करना है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप विंसे का ये सीरम यूज़ करें, ये बहुत अच्छा सीरम है और इसमें है जी हाइरोलिक एसिड और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और क्योंकि मेरी भाभी की जो स्किन है वो एक्स्ट्रा ड्राई है तो ये उसकी सेकंड बॉटल है और उसको बहुत ज़्यादा सूट किया है। ये विंसे का विटामिन सी सीरम है और ये है ही ड्राई स्किन वालों के लिए है और इसका टेक्सचर इस तरह से है और इसको आपने यूज़ कैसे करना है, आपने इसके दो से तीन ड्रॉप्स अपने पाम में लेने और हल्का हल्का सा आपने अपने चेहरे पे इस तरह से फिंगर टिप्स से इस तरह से आपने लगा देना है अपने फेस और नेक पे। सीरम आपने डे एंड नाइट अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि जी हमें सीरम सूट नहीं किया, हमें लोशन वगैरह सूट करते हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, आप कहीं मर जाइएगा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है जी जो सीरम यूज़ नहीं करते, जिनको सीरम सूट नहीं करता और तो ड्राई स्किन वाले, ये वैसलीन का लोशन यूज़ करें और ये भी डीप मॉइस्चराइज़र करता है हमारे हाथों को, पैरों को, हमारी स्किन को और ड्राई स्किन को रिपेयर करता है। और ये सिर्फ वो यूज़ करें जो सीरम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, अगर जिनको लोशन सूट किया हुआ तो वो लोशन जो है वो अप्लाई करें और जिसको सीरम सूट करता है वो सीरम अप्लाई करें। और जिनको दोनों चीज़ें सूट करती हैं तो जैसे मैंने बोला है आपने डे एंड नाइट में इसको अप्लाई करना है तो दरमियान में जो गैप होता है तो आप हल्का सा लोशन भी अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो ड्राई स्किन वालों आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये दोनों चीज़ें रिकमेंड की हैं। अगर आपका दिल सीरम पे आया हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि हमने सीरम यूज़ करना है और जो फर्स्ट टाइम सीरम यूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपका दिल सेटिस्फाई नहीं है सीरम पर तो आप वैसलीन का बॉडी लोशन यूज़ करें, ये बहुत अच्छा लोशन है और इसको भी आप, अच्छा इसको आप तीन टाइम अप्लाई कर सकते हैं और इसको आपने डे एंड नाइट ही अप्लाई करना है। अगर आपको, अगर आपका दिल दोनों पे मानता है
तो आप दोनों करके देखिए, तो ड्रेस के दिवालों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर रखें। और ड्राई स्किन वाले जैसे कि पानी तो है सर्दियों में वाकई नहीं पिया जाता, आप जूस पिए। आप इसके अलावा जैसे कि अब गाजरों का मौसम है, फ्रेश गाजरों का जूस पिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन वाले चुकंदर गाजर का जूस मिक्स करके पिए और ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि एक चुकंदर हो गया और गाजरें हो गई, तो उसको आपने मिक्स किया, उसका जूस बन गया, तो वो आप ज़रूर पिए। रेगुलर आप इसको पिए तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। तो ड्राई स्किन वालों के लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।